Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This is chapter number 6. Name of chapter is shear force and bending moment. इस numerical में भी हमारे पास एक simply supported beam है. इसके लिए हमें shear force and bending moment diagram draw करने हैं. इस chapter से related अगर आपको theory देखनी है तो हमारे जो starting के numericals हैं उसमें आप देख सकते हैं. यहाँ पे हम theory discuss नहीं करेंगे. Direct हमारे numerical पे आते हैं. हमारा numerical है draw the shear force and bending moment diagram for a simply supported beam of length 9 meter and carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter for a distance of 6 meter from the left end. Also calculate the maximum bending moment on the section. So numerical में हमें एक simply supported beam दे रखी है जिसकी length हमें 9 meter दे रखी है and हमें दे रखा है from left से 6 meter तक एक UDL है इसके ऊपर. So एक UDL है up to length 6 मीटर तक. देन इसके लिए हमें SFD एंड BMD ड्रॉ करना है एंड देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन भी फाइंड करना है. एंड जो ये UDL है ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है. लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम अपनी बीम हमने बना ली है एंड जो पॉइंट जहाँ पे हम SF एंड BM फाइंड कर सकते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से नीचे डॉटेड लाइन बना ली. ठीक है, एक फ्रॉम B से एंड इस पॉइंट को C नाम दिया, फ्रॉम C से एंड इस पॉइंट से हमने नीचे की तरफ डॉटेड लाइन बना ली. नाउ सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे. ये दोनों रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी. अभी तक जो हमने कैंटिलीवर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं होती थी, बट सिंपली सपोर्टेड के केस में सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करेंगे. आई होप आपको रिएक्शंस फाइंड करनी आती होंगी. तो एट पॉइंट बी पे जो रिएक्शन मिल रही है दैट इज 20 किलोन्यूटन एंड एट पॉइंट ए पे जो रिएक्शन मिल रही है वो 40 किलोन्यूटन हमें मिलेगी. सो जो हमारा आर ए हमें मिला है दैट इज 40 किलोन्यूटन एंड आर बी जो हमें मिली है वो मिली है 20 किलोन्यूटन. नाउ थर्ड पॉइंट इज हम सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं जिनकी हेल्प से हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे. तो देखते हैं कितने सेक्शन हमें ड्रॉ करने होंगे. सेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, इधर लेफ्ट की तरफ हैंड रख लो एंड थोड़ा सा इधर की तरफ धीरे धीरे चलो. एक फोर्स आ गया इसका मतलब एक सेक्शन यहाँ पे चाहिए होगा हमें. फिर आगे बढ़ते रहो, जब तक नया फोर्स नहीं आएगा तब तक नया सेक्शन नहीं चाहिए होगा हमें. नाउ एक नया फोर्स आ गया UDL का तो हमें एक सेक्शन यहाँ पे भी चाहिए होगा. और आगे बढ़ते हैं, कोई नया फोर्स नहीं आ रहा इसका मतलब हम इन्हीं दोनों सेक्शन से की हेल्प से हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे. इस वाले सेक्शन को सेक्शन नंबर 1 बोल देते हैं एंड इस सेक्शन को सेक्शन नंबर 2 बोल देते हैं. तो सेक्शन नंबर 1 को हम मान लेते हैं ये एट अ डिस्टेंस एक्स वे है फ्रॉम दिस. ठीक है, तो शेयर फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट की तरफ हैंड रख लिया एंड राइट की तरफ देखो कि जो जितने भी फोर्स है उनका एल्जेब्रिक सम शेयर फोर्स होता है. तो यहाँ पे एक ही फोर्स है. अच्छा, साइन कन्वेंशन भी हमें याद रखना है. सेक्शन के राइट में अगर फोर्स नीचे की तरफ एंड लेफ्ट में फोर्स ऊपर की तरफ है तो इस कंडीशन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं. यहाँ पे इसकी अपोजिट कंडीशन बन रही है क्योंकि राइट में फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसको हम निगेटिव लेके चलेंगे. तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 1 जो हमें मिल रहा है दैट इज -20 किलोन्यूटन. सेक्शन 1 पे शेयर फोर्स हमें -20 मिला. अगर यहाँ पे देखना है तो एक्स की वैल्यू 0 रखनी होगी हमें, बट यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो यहाँ पे भी इसका मतलब -20 ही रहेगा. एंड आगे देखा जाए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे के लिए हमें एक्स की वैल्यू 3 रखनी थी क्योंकि ये टोटल 3 है. तो सिंस यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे भी -20 रहेगा एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं. अगर एक्स्ट्रा फोर्स होते तो इस सेक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे शेयर फोर्स नहीं फाइंड कर सकते, बट यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट लोड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे भी -20 और ये -20 ही चलता आएगा अप टू यहाँ तक. सो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स एट सेक्शन 1 एंड इसकी हेल्प से हम सेक्शन एट बी एंड एट सी पे शेयर फोर्स फाइंड कर लेंगे. नाउ शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 फाइंड करने के लिए इधर हाथ रख लेंगे सेक्शन 2 के लेफ्ट में एंड राइट में देखेंगे. ठीक है, एंड इस डिस्टेंस देखिए इसको एक्स माना, तो आप चाहें तो इसको बाई भी मान सकते हैं लेकिन मैं एक्स ही मान के चलती हूँ क्योंकि मुझे एक्स में ज़्यादा थोड़े कंफर्टेबल महसूस होता है. आप इसको एक्स नहीं बल्कि इसको एक्स मान लें. इस सेक्शन की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एक्स मान रखी है हमने. तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये फोर्स पड़ रहा है और एक इतना सा UDL आ रहा है, एक ये पॉइंट लोड है ये इतना UDL है. तो पॉइंट लोड ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये माइनस हो जाएगा -20, बट ये जो हमारा UDL ये नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स लगने को पॉजिटिव लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस
कितने का यूडीएल है, 10 का यूडीएल है। कितनी डिस्टेंस के लिए लग रहा है, देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमने एक्स मानी है एंड इतनी डिस्टेंस हमें 3 दे रखी है, तो जितने के लिए यूडीएल लग रहा है वो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स माइनस 3। तो कितने के लिए लग रहा है, एक्स माइनस 3। नाउ अगर हमें सी पे चाहिए तो एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 3 रखनी होगी। एंड अगर हमें ए पे शेयर फोर्स चाहिए तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी होगी, ये एक्स यहाँ तक के लिए क्या रखनी होगी, 9 रखनी होगी। सो ये हमारा हो गया शेयर फोर्स एट सेक्शन 2। तो इसकी हेल्प से अगर हम एट सी पॉइंट सी पे अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 3। एक्स की वैल्यू 3 रख के हम शेयर फोर्स निकालेंगे एट सी, जो कि हमें -20 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो -20 ही हमें मिल रहा है। एंड एक्स ए के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 9 रखनी है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो हमें जो शेयर फोर्स एट ए मिलेगा दैट इज 40 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक लाइन बना लेनी होगी, हमने एक लाइन बना ली। ठीक है, बी पे शेयर फोर्स क्या मिला था, -20। -20 का मतलब नीचे की तरफ 20 एक पॉइंट। ठीक है, एंड शेयर फोर्स एट सी भी हमें -20 मिला था, तो नीचे की तरफ -20। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, नाउ हमें ए पे शेयर फोर्स क्या मिला था, +40, तो ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ 40। ठीक है, एंड यहाँ पे देखा जाए तो एक्स मिला, एक्स की पावर 1 है, यानी लीनियर है यहाँ पे इक्वेशन हमारी, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, एंड ये जो हमारी जो लाइन है इसको किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। किस पॉइंट पे कट करेगी, अभी हम ना इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ करेंगे तो उसमें इजिली हमें पता चल जाएगा कि ये किस पॉइंट पे कट कर रही है। सो इस तरह से हमें हमारा SFD मिल जाएगा, ये हमारा SFD हो गया। नाउ BMD ड्रॉ करने के लिए इन्हीं दोनों सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, देन इन सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगी उसकी हेल्प से बी सी एंड ए पे हम हमारा बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इनका इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर ये वाला केस है तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलते। ठीक है, इस वाले के लिए देखा जाए बेंडिंग मोमेंट जब यहाँ पे निकाल इस सेक्शन पे निकालेंगे तो सिर्फ एक ही फोर्स है एंड ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट में फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, +20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक्स ही हो जाएगी, तो +20x। नाउ एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वी पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, एंड एक्स की वैल्यू 3 पुट करने पे हमें सी पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1, इसमें जब एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट बी मिल गया, एंड एक्स की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट सी मिल जाएगा, डेट इज 60 किलो न्यूटन मीटर। नाउ इसी तरह सेक्शन 2 पे भी हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2, तो अब हमने इस वाली डिस्टेंस को एक्स माना है, तो एक हमें फोर्स है पर पॉइंट लोड है, एंड एक हमारे पास इतना सा यूडीएल हमारे लिए आ रहा है इस सेक्शन के राइट में, तो इन्हीं दोनों का बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे अबाउट सेक्शन 2। तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स 20 इंटू एक्स, साइन पॉजिटिव रहेगा। बट इसके लिए देखिए ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस तरह से यूडीएल का जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी क्लॉक वाइज, इसका मतलब ये निगेटिव है। तो माइनस यूडीएल कितने का है, 10 इंटू कितनी डिस्टेंस के लिए लग रहा है, ये टोटल x है तो x माइनस 3 के लिए लग रहा है, x माइनस 3। ये तो हो गया हमारा फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल जो थी वो x थी, x में से इतनी माइनस कर दी, x में से 3 माइनस कर दी, तो कितनी बची, x माइनस 3। एंड हमें पता है यूडीएल जो हम यूडीएल में फोर्स मानते हैं कि बीच पे है, तो मतलब इस डिस्टेंस का आधे पे लग रही है ना, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी, x माइनस 3, तो x माइनस 3 का हाफ कर दे तो ये वाली डिस्टेंस, इतनी सी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 3 का हाफ, ये वाला बेंडिंग मोमेंट मिलेगा हमें अबाउट पॉइंट, अबाउट हमारे सेक्शन 2। इसमें जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें एट सी बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, एंड एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू यहाँ तक, इसका मतलब 9 पुट करेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट ए मिल जाएगा। सो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2, इसमें जब एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट की तो बेंडिंग मोमेंट एट सी हमें मिल गया। ठीक है, एंड जब इसमें हमने एक्स की वैल्यू 9 पुट की तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट ए मिला, जो कि 0 मिला। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 आ गया, इसका मतलब अभी तक हमने जितनी कैलकुलेशन की थी वो सही थी। सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ 0 आ जाते हैं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही थी।
ना बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सीधे एक लाइन खींची जैसे एसएफडी में खींची थी, ठीक है। इस पॉइंट पे देखा बी पे बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो है, सी पे बेंडिंग मोमेंट हमने देखा कितना फाइंड किया था, प्लस का 60, तो प्लस का 60 कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे कैसे, इसके लिए देखनी होगी हमें इक्वेशन। इक्वेशन में एक्स की पावर 1 है, मीन्स लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये एज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगी, इसको हमने एज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ इस केस के लिए देखा जाए तो सी पे हमारी, सी पे जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो 60 होता है, एंड ए पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो है। एंड जो इक्वेशन है इसमें देखा जाए, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों x माइनस 3 और ये 5 माइनस 5 20 एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन रही। यहाँ पे x की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। तो जब भी x की पावर 2 आती है तो हमारे पैराबोला के फॉर्म में हम उसको ज्वाइन करते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी को एज अ पैराबोला हम ज्वाइन करेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये हमारा एक पैराबोला है। इस तरह से ये हमारी बीएमडी हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। हमने जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था दैट इज एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना, वो तो हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ सेकेंड इज कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग ऑन द सेक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड करना है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहाँ पे होता है जहाँ पे शेयर फोर्स अपना नीचे चेंज करता है, मीन्स या तो पॉजिटिव से निगेटिव या तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होता है। एंड ऐसे पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, शेयर फोर्स जीरो मिलेगा, या तो ये कहें कि नेचर चेंज हो रहा है, या तो जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो शेयर फोर्स जीरो यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो ये हमारा शेयर फोर्स था इक्वल टू जीरो पुट कर देना, ये वाले इस शेयर फोर्स को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो माइनस 20 प्लस 10 एक्स माइनस 3, ये जो शेयर फोर्स है इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो इससे जो x की वैल्यू आएगी वो ये वाली इस पॉइंट को बताएगी। सो शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे जो x की वैल्यू मिलती है हमें वो 5 मिलती है। x इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 5 है। x इक्वल टू 5 पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लें तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इस वाले यूडीएल वाले जो सेक्शन पे हमने बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन फाइंड की थी, वहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट करके हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए x इक्वल टू 5 हमें पुट करना होगा इस वाली इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, 2x माइनस 10 x माइनस 3 बाई 2 में जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, x की वैल्यू जो 5 पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। सो इस इक्वेशन में जब हम x इक्वल, इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो जो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 80 किलो न्यूटन मीटर। सो ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है ये हमें मिलेगा 80 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा गलत मैंने ड्रॉ कर दिया, ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए था। सो ये तो फर्स्ट मेथड है हमारा। इसके अलावा एक सेकेंड मेथड से भी हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, वो क्या है, हमारे डायग्राम के थ्रू। इसके लिए हमें हमारा जो डायग्राम है वो एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होगा। तो हमने एक ग्राफ पेपर पे हमारी बीम ड्रॉ कर ली एंड शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया, एसएफडी ड्रॉ किया। ये हमारा ये जो है ये हमारा एसएफडी है। एसएफडी हमारे बीम को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। और एक हमने हमारा जो बीएमडी था वो भी ड्रॉ कर लिया। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा पैराबोला है। तो इस पॉइंट पे देखिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है दैट इज 80। तो 80 हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं या जो ये वाला मेथड होता है इसके थ्रू भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।